वेलकम बैक। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये स्पेशल क्यों है। जिस दिन मेरा बर्थडे था उसी दिन मेरा 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ था। मैंने बहुत सारी चीज़ों को विशलिस्ट करके रखा हुआ था अपने लाइक अलग अलग जगह पे, फ्लिपकार्ट पे, कुछ चीज़ों को मिंत्रा पे, कुछ नायका पे, इधर उधर, और सोचा था कि जब मेरा 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं ये सब चीज़ें खुद को गिफ्ट दूंगी। तो जो भी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने खुद को गिफ्ट दी है मेरा 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए। एंड मेरे बर्थडे वाले दिन ही हुआ था तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल था। एंड अभी 6K भी हो गया तो मैंने 6K के ऊपर 6 टॉप परचेज किया था अपने लिए, लाइक 6K पे 6 गिफ्ट्स दिया था मैंने खुद को। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो करके वो 6 टॉप्स दिखाऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपको जो 5K पे मैंने खरीदे हैं मैं सिर्फ वही दिखाने वाली हूँ। एंड 6K पे जो 6 टॉप है उनमें से एक ये भी है, अलग से मैं आपको टॉप का हॉल करूंगी तब आराम से दिखाऊंगी। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज़ वीडियो। सो गाइज, हमारे आज के हॉल का सबसे फर्स्ट आइटम है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। ये मेरे विशलिस्ट में कुछ मंथ्स से था। ये है मेरी ड्रेस बेरी की वॉच। काफ़ी टाइम से मेरी विशलिस्ट में थी। मैंने सोचा था जब मेरा 5K होगा तब मैं खुद को गिफ्ट दूंगी। एंड मेरा बर्थडे वाले दिन हुआ तो मैंने काफ़ी सारा सामान इसीलिए लिया क्योंकि बर्थडे भी था और 5K भी था हुआ था। और अभी 6K क्रॉस हो चुका है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं दिखाती हूँ अंदर से, इस तरीके से है, मैंने खोल लिया है इसे और कटवा लिया है इसको। ये अंदर में इस तरीके से ये पिलो था, इस पर पूरा वॉच लगी हुई थी। अब मैंने कटवा लिया इसकी चेन तो उसमें लगती नहीं है बिकॉज मेरी रिस्ट बहुत पतली है। तो जो मेरी वॉच है वो ऐसे दिखती है, बहुत 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 प्रिटी है एंड एज यू कैन सी। और एक चीज़ गाइज, ये खरीदे में मुझे काफ़ी दिन हो चुका है एंड मैंने अभी तक भी इसे नहीं पहना है। काफ़ी लोग पूछे थे पहना नहीं वॉच जिनको पता था मैंने खरीदा है। द रीज़न इज़ कि ये सब कुछ गिफ्ट मैंने खुद के लिए अपने YouTube की इनकम से खरीदा था तो मैंने सोचा कि जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी उसी के बाद मैं इसे यूज़ करूँगी। आज फर्स्ट टाइम मैं इसे आराम से पहन रही हूँ और आज के बाद आप मुझे मेरे मोस्टली वीडियोज़ में इसे पहने हुए देखोगे। थोड़ा लूज़ है अभी भी, मेरी रिस्ट काफ़ी पतली है एक्चुअली। इसका डायल है ऐसे, मुझे यही वाली वॉच चाहिए थी, लाइक रोज़ गोल्ड कलर की है। डायल भी इसका परफेक्ट है मेरी पतली रिस्ट के हिसाब से। एंड जो स्टोन लगा हुआ है ना, बहुत सारी वॉचेस में ना डबल वाला राइनस्टोन का आता है, मुझे वो डबल राइनस्टोन एकदम भी पसंद नहीं आता है कि डबल राइनस्टोन वाला बहुत ज़्यादा चंकी और झटैक सा लगने लगता है। मुझे ये सिंगल वाला चाहिए था, मैंने बहुत ढूंढा था, मुझे मिल गया था। ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी, ये 3000 रुपीज़ की थी, बट जब मैंने लिया था तो इस पर डिस्काउंट आया हुआ था। लकीली मैंने सोचा कि आज मेरा हुआ है 5K, आज मैं खरीदूंगी इसे, और उसी दिन ये डिस्काउंट पे आया हुआ था। मुझे एक्जैक्टली अब प्राइस याद नहीं है कितना डिस्काउंट पे आया हुआ था, बट हाँ ये थोड़ा डिस्काउंट पे आई हुई थी। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप परचेज कर सकते हो। बाकी वॉच बहुत बहुत सुंदर है, एज यू कैन सी बहुत प्रिटी है। इसके साथ अगर आप कोई कफ पहनोगे तो बहुत सुंदर लगेगी। इसकी चेन ऐसे है, बहुत सुंदर है ये। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी ये वीडियो करूँ बट कुछ और रिक्वेस्टेड वीडियो की वजह से वीडियो रह जा रहा था। आज फाइनली मैंने कर लिया और मैंने इस वॉच को पहन लिया। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ये सब कुछ मैंने अपने YouTube की इनकम से खरीदा है और ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से पॉसिबल हुआ है। सो गाइज, अब मैं आपको अपना नेक्स्ट आइटम दिखाती हूँ और नेक्स्ट है मेरा ये केमिस्ट्री का शू। अगेन ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में था बट जैसे ही मैंने उस दिन सोचा कि मैं खरीदूँ इसे और उसी दिन सेम डे ये भी काफ़ी डिस्काउंट पर आ गया था। मुझे एक्जैक्टली सच में किसी का भी प्राइस याद नहीं है, बिकॉज मुझे सब कुछ लिए हुए 1 मंथ से ऊपर हो चुका है। बट जैसे मैंने बोला मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी, मैं आपको अपना शू दिखाती हूँ। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ये सब कुछ टूटे हुए गंदे से डब्बे में आया था। सो ऐसा है मेरा केमिस्ट्री का बेज कलर का शू, आप देख सकते हो केमिस्ट्री लिखा हुआ है अंदर। ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे था, मुझे एक्जैक्टली इसका प्राइस याद नहीं है, बट इसकी हील बहुत ज़्यादा नहीं है, एज यू कैन सी इट्स पेंसिल हील। एंड जो नीचे में ब्लैक कलर का दिया हुआ है ना, आई डोंट नो एक्जैक्टली इसको क्या कहते हैं, बट ये साथ में एक आपका एक्स्ट्रा भी आया है। अगर कहा कि जब हम वॉक करते तो ये घस जाता है तो आपका ख़राब हो जाएगा, तो आप निकाल के इसे नया लगा लोगे, आपकी सैंडल जो आपका शू है बिल्कुल नया और अच्छा हो जाएगा। इसका ऐसा पीछे लेस ऐसा है, ये ऐसे इसका डिज़ाइन है। इसका कलर बहुत सुंदर है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत प्रिटी है। थोड़ा सा मैंने इसे यूज़ किया है तो ऐसे हो गई है, मतलब घर में ही मैंने पहना है, बाहर पहन के नहीं गई मैं अभी तक। क्रिसमस न्यू ईयर आ रहा था तो मुझे लगा मैं पहनूंगी इसे, उसके पहले ही मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर देती हूँ। एक बार ऐसा दिखता है, ये बहुत प्रिटी है ये। एक बात बता देती हूँ, अगर ये शू आपको पसंद आया है, आप अपने लिए खरीदना चाहते हो तो एक साइज़ डाउन लेके खरीदना। मैं नॉर्मली 38 ही पहनती हूँ तो मैंने 38 ही लिया था इस शू में, बट ये मुझे थोड़ा लूज़ है और 37 अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसे रिटर्न नहीं कराया है। मैंने क्या किया है, अंदर में यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कॉटन डाल दिया है थोड़ा सा, और अब ये मेरे पैर में फिट हो गया है। तो अगर आपने कभी कोई शू लिया है जो थोड़ा लूज़ है तो आप आगे में कॉटन लगा सकते हो तो आपको परफेक्ट फिट आ जाएगा। मैं उसे रख देती हूँ साइड,
नेक्स्ट मैंने लिया था मेरे लिए एक लिपस्टिक, वो लिया था मैंने नायका से, वो है ये NYX लिप लॉन्जरे इन द शेड एक्सॉटिक। ये तो ये है लिपस्टिक, मैंने लिप्स पे लगाया जैसे आप लोगों को शेड दिखा सकूँ। बहुत 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 प्यारा कलर है एंड ये लिप लॉन्जरे 650 रुपीज़ की आती है। सो जब मैंने इसे लिया था तब उसमें कुछ डिस्काउंट आया हुआ था, 25% आई थिंक ऑफ में था, 488 रुपीज़ इसका मैंने पे किया था। कलर बहुत सुंदर है एज यू कैन सी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था ये। एंड और एक कलर है कलर बाग का हॉट लाटे, वो 950 की आती है, मेरा वो भी खरीदने को मन था। मैं सोच रही हूँ अगर मेरा 7K जब होगा ना तब मैं अपने लिए हॉट लाटे खरीदूंगी, और भी एक दो सामान है मेरे मन में खरीदने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है, जैसे मैं जल्दी जल्दी 7K तक पहुँच जाऊँ। एंड अब बहुत ज़्यादा आइटम नहीं बचा है, सिर्फ 2 बचा है। नेक्स्ट मैंने एक बेल्ट लिया था अपने लिए, ये बहुत सुंदर बेल्ट है एंड आई एम श्योर आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं जो ये वाली बेल्ट ढूंढते होंगे कहीं ना कहीं ऑनलाइन। ये है ब्रेडेड बेल्ट, टैन कलर की ऐसी, इट्स ब्रेडेड, आप देख सकते हो। ये ड्रेसेस के ऊपर जब आप टाई करते हो तो बहुत सुंदर लगती है, आप अपने कुर्ता पे भी टाई कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगी ये। इट्स वेरी लॉन्ग, अगर आपको थोड़ा बेली फैट का प्रॉब्लम है तो भी आपको आराम से आ जाएगी। बहुत सारी ऐसी बेल्ट मैंने देखी थी एक्चुअली ऑनलाइन, उनके रिव्यूज़ में काफ़ी लोगों ने लिखा था कि बहुत छोटी है ये, प्रॉपर बंधती नहीं है, आप बांधना चाहो इसको अगर ड्रेस के ऊपर तो नॉर्मली बेल्ट की तरह पहने तो पहन पाते हो, बट अगर आप इसको लाइक पूरा टाई करना चाहो प्रॉपर, अगर आप चाहते हो मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँ कि ड्रेसेस के ऊपर कैसे ईजिली टाई कर सकते हो जैसे सुंदर सा बनाते, तो आपके लिए मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। बस बेल्ट है तो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से कैसे दिखती है, बहुत सुंदर है, इट्स वेरी लॉन्ग एज वेल। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई हेल्दी है और किसको बेली फैट का प्रॉब्लम है तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आ जाएगी ये बेल्ट। इसका बकल बहुत सिंपल सा है एंड बेल्ट की क्वालिटी अगेन बहुत अच्छी है। ये वाली बेल्ट बहुत एक्सपेंसिव नहीं थी, ये अराउंड 150 में ही मैंने पे किया था, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ये वाला मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। नेक्स्ट जो है अगेन ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, मैंने अपने लिए एक टॉप लिया है वाइट कलर का, ये है फॉर एवर ट्वेंटी वन के बड़े थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं हम सब जानते हैं, और ये बहुत क्लासी टॉप है, मैंने बहुत सारे एक्ट्रेसेस को इस तरीके का पहने हुए देखा है। इट्स वन शोल्डर टॉप कम्प्लीटली वाइट, दिस इज हाउ इट लुक्स, ये बिल्कुल ऐसे जाएगा और आप न्यू ईयर पे क्रिसमस में पहनोगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। इसका फैब्रिक मतलब जब ये आया था ना मेरा टॉप, तो जब मैंने उसे लाइक प्लास्टिक से ही देख के पता चल रहा था कि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे परचेज़ कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा क्रॉप है, क्रॉप टॉप है ये, एंड टॉप का हॉल जब मैं करूँगी तो सारे टॉप्स दिखाऊंगी, तब मैं आपको इसे पहन के आराम से दिखा दूंगी। बाकी मैं इसे पहनूंगी तो मैं अपनी कम्युनिटी टैब पे पिक्स अपनी लगाते ही रहती हूँ, तब मैं इसकी इमेज भी अपनी कम्युनिटी टैब पे लगा दूंगी, आप देख लेना। बाकी मैं हॉल में डेफिनेटली इसे शेयर करूंगी, टॉप के हॉल में फ्लिपकार्ट से जो मैंने टॉप लिया था, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आप इसे डेफिनेटली कर सकते हो। एंड थैंक्स अगेन गाइस, ये सब कुछ आप ही लोगों के प्यार की वजह से पॉसिबल हुआ है जो भी मैंने परचेज किया है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, इतना ही सामान मैंने लिया था अपने लाइक अपने खुद को गिफ्ट देने के लिए। That's it for today's video. Thanks a lot guys for watching. Bye. See you in my next video.